रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम परसेंटेजेस के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सक्सेसिव डिस्काउंट्स एंड इंक्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 10% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। या फिर अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाई 25% एंड देन ही डिक्रीज द प्राइस बाई 20%, व्हाट इज ओवरऑल चेंज, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर प्राइस ऑफ अ लैपटॉप वाज इंक्रीज्ड बाय 100%, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, बाय हाउ मच परसेंट द प्राइस शुड बी डिक्रीज्ड टू ब्रॉट इट बैक टू ओरिजिनल वैल्यू। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है सक्सेसिव डिस्काउंट्स और इंक्रीमेंट्स का, इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए हम आज ये 7 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन 7 क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इन 7 क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे और आपको मैं उनके साथ साथ उनकी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर सकते हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम तमाम स्टूडेंट्स करते हैं जब हम एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स मतलब प्राइस डिक्रीज हो रही है, ऑफ 10% एंड 10% इक्वल्स टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट। यानी कि अगर एक शॉपकीपर है वो एक डिस्काउंट दे रहा है 10% का, फिर दे रहा है 10% का, तो उसकी जगह वो एक ही डिस्काउंट कितने परसेंट का दे के आंसर हमारा सेम आए। तो हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 10% प्लस 10% इज इक्वल टू 20% और इस पर टिक लगा देते हैं, हालांकि ये आंसर गलत है। ये हम अमाउंट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो आंसर हमारा डिफरेंट होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आपने एक अमाउंट अज्यूम कर लेनी है, फॉर एग्जांपल 100। तो 100 के ऊपर जब हम फर्स्ट डिस्काउंट देंगे 10% का, तो $10 का डिस्काउंट हो गया, तो अमाउंट हमारे पास क्या रहेगी बाकी, $90। ये हो गया एक डिस्काउंट, दो डिस्काउंट दिए उसने लगातार, तो दूसरा डिस्काउंट हम देंगे 10% क्या है 90 का, $9। जब 90 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, $81, 90 माइनस 9। तो अब आप देख सकते हैं कि 100 से 81 का कितना डिफरेंस है, 19 का, ना के 20 का। तो हम क्या कहेंगे, 19% हमारा आंसर है। यानी कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 10% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%, ये हमारा आंसर है। आपने 100 अज्यूम करना है, अगर आप इसको अज्यूम करेंगे कोई और अमाउंट तो फिर आपका जो मेथड है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स, अब क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, ऑफ 10% एंड 10% इक्वल टू सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट। अब दो बार प्राइस बढ़ रही है 10%, आपने दोबारा उस कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना है कि 10% प्लस 10% इज इक्वल टू 20%, जो कि गलत है। आपने सही तरीके से कैसे जानना है, 100 आपने पहले प्राइस अज्यूम कर ली, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि $10 का, तो आपके पास नई प्राइस क्या आ गई, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। एक इंक्रीमेंट हो गया, दूसरा इंक्रीमेंट आपने देना है 110 पे, 10% देंगे, 110 का 10% क्या है, 11। तो न्यू प्राइस आपके पास क्या आ गई, 110 प्लस 11 इज इक्वल टू 121। ओवरऑल डिफरेंस क्या है आपका, लास्ट अमाउंट और इनिशियल अमाउंट का, 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21% आपका आंसर है कि टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 10% एंड 10% इक्वल्स टू सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ 21%। दूसरा तरीका क्या था सॉल्व करने का, अगर आप इसको 100 अज्यूम नहीं करेंगे प्राइस को, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 200 अज्यूम कर लेते हैं, अगर आपने 200 अज्यूम किया तो इसका 10% जो पहला इंक्रीमेंट होगा वो ₹20 बनेगा, 200 प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 220। अब 220 पे आपने दूसरा इंक्रीमेंट देना 10% का, वो कितना होगा, 22। न्यू प्राइस आपके पास क्या आ गई, 220 प्लस 22 इज इक्वल टू 242। ओवरऑल डिफरेंस क्या है आपका दोनों प्राइसेस का, 242 में से जब आप 200 माइनस करेंगे, 242 माइनस 200
$42 का. आंसर कैसे निकालेंगे? $42 ओवर 200 जो आपकी बेस अमाउंट थी मल्टीप्लाई बाय 100. सॉल्व आउट करेंगे आपके पास क्या आ गया 21%. इसमें आपको अगर आप 100 के अलावा कोई और अमाउंट ज्यूम करेंगे तो आपको जो ये वाला स्टेप है ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. तो इस स्टेप को अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, डायरेक्ट 100 ज्यूम करें तो आपका जो ओवरऑल डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अ शॉपकीपर इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 10% एंड देन ही डिक्रीज द प्राइस बाय 10%. व्हाट इज ओवरऑल चेंज? यानी कि पहले 10% इंक्रीज की, फिर 10% डिक्रीज की. कॉमन मिस्टेक क्या जो आपने अवॉइड करनी है कि 10% माइनस 10% इज इक्वल टू 0, जो कि रॉन्ग है. सही तरीका क्या है, 100 अज्यूम कर लें, 10% आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, 110 न्यू अमाउंट आ गई. अब 110 पे आप 10% डिक्रीज कर रहे हैं जो कि 11 रुपीज है, तो न्यू अमाउंट क्या होगी, 110 माइनस 11, 99. ओवरऑल चेंज क्या है फ्रॉम बेस अमाउंट, 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1%. यानी कि ओवरऑल आप कहेंगे जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 1%, क्योंकि शुरू में 100 थी एंड पे 99 आ गई. तो ओवरऑल चेंज 0 नहीं है बल्कि ओवरऑल चेंज माइनस 1%, ये 1% डिक्रीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय 25% एंड देन ही डिक्रीज द प्राइस बाय 20%. व्हाट इज ओवरऑल चेंज? सेम तरीका, 100 आपने बेस प्राइस अज्यूम कर ली, 100 पे जब आपने 25% लिया तो क्या हो गया, 25 आ गया, न्यू प्राइस क्या आ गई, 125. अब 125 पे आपने क्या करना है, 20% डिक्रीज करना है. 125 का 20% क्या होगा, 25. तो आपकी न्यू प्राइस क्या आ गई, 125 माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 100. यहाँ पे प्राइस 100 है, बेस अमाउंट जो आपने शुरू में ली थी वो भी 100 थी, तो 100 माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 0. आप कहेंगे इसका ओवरऑल 0% और नो चेंज, कोई भी आंसर लिख दें या फिर जो आपके आंसर में होगा वो आप. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है. टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 20% एंड 25% इक्वल टू सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट? इंक्रीमेंट्स एंड 20% और 25% का सेम प्रोसीजर, 100 अमाउंट ले लिया आपने, 20% इंक्रीज हो रहा है तो न्यू अमाउंट क्या होगी, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120. अब दूसरा इंक्रीमेंट 25% का है तो 120 पे होगा, 25% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 120 का 25% क्या होगा, 12 + 12 + 6 = 30 rupees या $30. अगर आपने ये प्रोसीजर, आपको इससे फेमिलियर नहीं है तो आप इस चैनल के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जो कि परसेंटेज के टॉपिक पे हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे फाइंड आउट किया हमने 30 विच इज़ 25% ऑफ 120. तो आपके पास न्यू अमाउंट क्या होगी, 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150. तो ओवरऑल डिफरेंस क्या होगा, 150 माइनस 100 जो हमारी बेस अमाउंट थी दिस इज इक्वल टू 50%. यानी कि ओवरऑल इंक्रीमेंट अगर हम एक ही अमाउंट का 50% करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 20% एंड 25%. क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास. अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय 100% एंड देन ही डिक्रीज द प्राइस बाय 10%. व्हिच इज ओवरऑल चेंज? सेम करेंगे, 100 आपने प्राइस अज्यूम कर ली, 100% इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब कि $100 का ही हो रहा है तो न्यू अमाउंट आपके पास क्या आएगी, 100 प्लस 100 200 एंड देन ही डिक्रीज द प्राइस बाय 10%. 200 न्यू अमाउंट है, 10% आप डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि $20 डिक्रीज हो रहे हैं, न्यू अमाउंट क्या होगी, 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180. ओवरऑल चेंज क्या है, 180 माइनस 100, 180 जो हमारी लास्ट में अमाउंट आई है और 100 जो हमारी बेस अमाउंट है दिस इज इक्वल टू 80% जो हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो आप क्या कहेंगे, ओवरऑल चेंज क्या है, 80% इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से.
price of a laptop was increased by 100%. By how much percent the price should be decreased to brought it back to original value? यानी कि एक प्राइस की लैपटॉप 100% इंक्रीज कर दी गई थी, अब कितने परसेंट डिक्रीज की जाए कि दोबारा उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। हम क्या अज्यूम करेंगे कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, 100% इंक्रीमेंट हुआ, न्यू प्राइस क्या होगी 200 न्यू प्राइस। अब आपने क्या करना है, आपके पास न्यू प्राइस आ गई है, आपने उसको ओरिजिनल प्राइस पे वापस लेके जाना है। यानी कि 200 में से अगर आप 100 माइनस करें तो आपके पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो वापस आ जाएगी, ये अमाउंट है जो आपने चेंज करनी है। अब जो डिफरेंस है ये कैसे आप निकालेंगे, परसेंटेज में कैसे निकालना है, कैसे 100 जो ये अमाउंट जो आपने कम करनी है डिवाइडेड बाय 200 जो हमारी आपकी न्यू प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। सिंप्लीफाई करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट गए, 50%। यानी कि अगर आप 50% प्राइस को डिक्रीज करें तो ओरिजिनल वैल्यू पे वापस आ जाएगी। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, न्यू प्राइस आपकी 200 है, अगर आप 200 का 50% लें तो 100 है, और हम 200 में से अगर 100 को माइनस करें तो हमारे पास 100 वापस आ जाएगी जो हमारी बेस अमाउंट थी। तो इस हम क्या कहेंगे कि प्राइस शुड बी डिक्रीज बाय 50% टू ब्रॉट इट बैक टू ओरिजिनल वैल्यू। तो इस तरह आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द अज जल्द आंसर कर सकें। नेक्स्ट टाइम इसी तरह किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके पास वीडियो बना के आपको देंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।